अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कम्प्लीट वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोर्स। तो फ्रेंड्स, आज हमारा CSS का 7th लेक्चर है। तो काफ़ी दिनों बाद लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं दोबारा से। अगर किसी ने पिछला कोई रिवाइज करना है या कोई भी लेक्चर पिछले चाहिए हो तो अब मुझे बता दें, मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। और आज हमारा CSS का जो लेक्चर है उसमें हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कुछ एंकर टैग की, ठीक है। एंकर टैग की प्रॉपर्टीज़ ये वाली। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंकर टैग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। लिंक है, होवर और एक्टिव, ठीक है। अच्छा, एंकर टैग क्या है? जिस तरह से आपको मैंने HTML में बताया था कि एंकर टैग हम यूज़ करते हैं लिंक लगाने के लिए, ठीक है। मसलन क्लिक हियर, ठीक है। ये मैंने एक एंकर टैग के अंदर लिखा लिंक, तो मेरे पास इस तरह से आ रहा है, ठीक है, ये लिंक है। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। मैं एक्सटर्नल CSS यूज़ करूँगा क्योंकि हमने नेक्स्ट इन फ्यूचर एक्सटर्नल ही यूज़ करनी है। मैंने फाइल बनाई हुई है, मैं उसको लिंक कर रहा हूँ। लिंक लेक्चर 7.css, ठीक है। अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारी CSS लिंक हुई है या नहीं। जी, ठीक है, टेस्टिंग के लिए तो नहीं हुआ। लेक्चर 7.css LECTURE 7.css में चेक कर लेता हूँ, पता नहीं कहाँ पे फाइल गई है। इसको सिंपली कर लेते हैं स्टाइल, ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस कर लेती हैं, वो शायद नेम का भी प्रॉब्लम है। अच्छा, स्टाइल डॉट सी एस एस, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड ऐड दे दिया, तो मैं अब इसको कर रहा हूँ ओपन, ठीक है। तो हमारी CSS जो वो लिंक हो गई है। अब मैं प्रॉपर्टीज कुछ लगाऊंगा एंकर टैग की। सबसे पहले एंकर टैग डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, आप क्लास से भी कॉल कर सकते हैं, बट मैं एंकर टैग को डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले है लिंक, ठीक है। जिस तरह से हमने टेक्स्ट डेकोरेशन वगैरह किया था एंकर टैग को डायरेक्टली कॉल करके या क्लास लगा के, तो वो भी एंकर टैग को ही फोकस करेगा और ये भी एंकर टैग को ही फोकस करेगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि जो एंकर टैग का लिंक है, ठीक है, पूरे का कलर जो है वो चेंज हो जाए, कलर वगैरह या जो भी प्रॉपर्टीज पे लगानी है। मैं चाह रहा हूँ कि कलर इसका हो जाए येलो, ठीक है। एंकर टैग लिंक क्या हो गया, इसी से काम क्यों नहीं कर रही। आज इतना दिमाग बड़ा ख़राब हो गया। इसको करते हैं डिलीट। style.css जो हमने लिंक की थी फाइल उसको लेके आए, ठीक है। तो अब इसमें मैं लगाऊंगा एंकर टैग लिंक, एंकर टैग के लिंक का, ठीक है। इस तरह से कॉल करना है इसको, लिंक डायरेक्ट लिंक प्रॉपर्टी है इसकी, मतलब लिंक को हमने कस्टमाइज करना है। कलर ग्रीन, ठीक है। तो जो एंकर टैग का कलर है वो हमारा ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। वो पहले हमारी फाइल लिंक नहीं थी, जो हमने पहले वाली फाइल रखी हुई थी वही चला रहे थे, तो इसलिए हमारा काम नहीं चल रहा था, ठीक है। तो अब हमारी फाइल जो है वो सही तरह काम कर रही है। एंकर टैग का कलर ग्रीन हो चुका है, ठीक है। फॉन्ट फैमिली कर्सिव, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं एंकर टैग का लिंक, लिंक को पूरा ये कस्टमाइज करेगा, ठीक है। ये एंकर टैग के लिंक की प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक्टिव होवर बाद में करते हैं, एक्टिव देख लें। एक्टिव क्या चीज़ है? जैसे ही आप क्लिक करते हैं, मतलब मैंने क्लिक किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या अप्लाई होगा? कुछ नहीं। मैं अगर इसको चेंज करता हूँ एंकर टैग एक्टिव, एक्टिव यह कि जितनी देर आपने प्रेस किए रखना है बटन को,
माउस के बटन को, तो क्या अप्लाई हो, कौन सा कलर हो? मैं जा रहा हूँ कि कलर येलो, पिंक हो जाए। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया, तो मैंने प्रेस किया हुआ है बटन अपना, ठीक है, मेन के मैंने माउस का बटन प्रेस किया हुआ है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है। जैसे मैं बटन छोड़ता हूँ तो इस तरह से आएगा, ठीक है, बटन प्रेस करूँगा कलर चेंज हो जाएगा, जैसे बटन छोड़ूंगा इसी तरह से आ जाएगा, ये है एक्टिव। ठीक है, आप कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं इस पर, मसलन बैकग्राउंड रेड, जितनी देर मैंने माउस का बटन प्रेस किए रखना है तब तक क्या अप्लाई हुआ, अभी फिलहाल कुछ नहीं, मैं सिर्फ होवर कर रहा हूँ, जैसे मैं ये देखो, ठीक है, मैंने बटन प्रेस किया तो ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है, तो जैसे मैं छोड़ता हूँ वापस वही नॉर्मल। अच्छा, तो लास्ट प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, होवर, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, मैं फिलहाल इन दोनों को कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, एंकर टैग होवर, होवर पे क्या चीज़ अप्लाई हो, जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके आऊँ क्या अप्लाई हो, ठीक है, सिर्फ सिंपल माउस लेके आऊँ। अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है एंकर टैग की, वो ये है कि कर्सर चेंज होता है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि होवर पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई ना हो, होवर पे मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ, जैसे कि कलर, नहीं चलो कलर ही कर लें, रेड, ठीक है, ये नॉर्मल हमारे पास आ गया, ठीक है, तो जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा, ठीक है, ये मैं सिर्फ माउस लेके जा रहा हूँ, कलर चेंज हो रहा है, ये होवर की प्रॉपर्टी है जो हम हर जगह पे अप्लाई करते हैं, हर जितने भी बटन वगैरह लगाते हैं, नेविगेशन बार लगाते हैं, कोई भी आर्टिकल, कोई इमेज, उसके ऊपर हम होवर ज़रूर अप्लाई करते हैं, क्योंकि होवर ने बताना है कि ये लिंक है, ये क्या चीज़ है, होवर जैसे उसके ऊपर माउस लेके आए तो क्या अप्लाई हो, ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि हम इसको होवर को यूज़ करते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ, मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी हुई है इसका डाटा, चलो ये एक देख लें, ये मेरे पास एक थीम पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये देखिए ये होवर पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये सारा कुछ होवर पे है, जैसे मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो ये इस तरह से अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये होवर ने बताना है कि जैसे इसके ऊपर कर्सर आएगा तो क्या अप्लाई होना है, ठीक है, ये भी होवर, ये भी होवर, ये भी होवर, ठीक है, ये सारे होवर लगे हुए हैं, इसके ऊपर होवर करता हूँ तो वो सारा कुछ जो है वो बैक पे चला जाता है, इनके हाइड हो जाता है और सर्च बार आ जाती है, तो ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है, आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये एक ऑप्शन होता है, इसमें अक्सर वेबसाइट में देखा हो गो टू टॉप पे, ठीक है, ये आप आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी के अंदर बना होता है, ठीक है, अच्छा होवर ने दरअसल ये काम कर लिया। अच्छा, आज जो मैं प्रॉपर्टी आपको सबसे इम्पोर्टेंट करवाने जा रहा हूँ वो है ट्रांसफॉर्म, सिर्फ रोटेट नहीं है, इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं, ट्रांसफॉर्म रोटेट, अच्छा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये ट्रांसफॉर्म भी, ठीक है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, मैं आपको इमेज के ऊपर लगा कर दिखाता हूँ ये, सर मैं इसको पहले कमेंट कर दूँ, इसको आपने गौर से देखना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, आई कहाँ पे इमेज पड़ी हुई है, चलिए इसको कनेक्ट, 1.JPG के नाम से बस इमेज पड़ गई, 1.JPG, ठीक है, मेरे पास आ गई इमेज, मैं इसी हाई फिल दे देता हूँ 200 पिक्सल, ज़्यादा बिल्कुल ही हमने ये जूम इन किया हुआ है। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, फिलहाल कुछ भी नहीं, अब इसके ऊपर हम होवर की प्रॉपर्टी लगाते हैं आईएमजी के ऊपर, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ,
IMG, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि इमेज के ऊपर जैसे ही मैं होवर करूँ तो इसको ट्रांसफॉर्म रोटेट, ठीक है। अब देखिए इस तरह से लगेगा, जिस तरह से हमने RGB ए दिया था, इसमें भी इस तरह से लगेगा, ठीक है। इनको दरअसल इवेंट्स बोलते हैं जो हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं। बेसिकली CSS में कुछ कुछ होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे RGB हो गया, RGB हो गया, ये रोटेट हो गया, ठीक है। इस तरह से रोटेट रोटेट किस तरह से यूज करना है, इसमें वैल्यू आएगी डिग्री में, पिक्सल में नहीं आएगी, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे इमेज के ऊपर होवर करूँ, इमेज जो है वो 20 डिग्री रोटेट हो जाए, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूँगा 20 डिग्री रोटेट हो रही है, ठीक है। तो इमेज इमेज पे सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं तो इमेज रोटेट हो रही है। जब मैं चाह रहा हूँ कि ये स्मूथली अप्लाई हो, ये देखें एकदम से हो रही है, मैं चाह रहा हूँ कि ये स्मूथली अप्लाई हो, तो मैं क्या करूँगा, जो इमेज है उसके ऊपर ट्रांजिशन एक प्रॉपर्टी है, याद रखनी आपने ट्रांजिशन। इसमें आपने जो जो भी प्रॉपर्टीज होवर पे मतलब लगानी है ना, तो आप लगा सकते हैं। तो अगर आपने सिर्फ ट्रांसफॉर्म की लगानी है, आप ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं इधर। अगर आपने जितनी भी होवर के अंदर लगानी है तो आप इसमें आल कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म आल। अब ड्यूरेशन बतानी है कि कितने सेकंड पे वो अप्लाई हो, 0.5 सेकंड, ठीक है। फिलहाल मैं इतनी कर लूँ, अब देखना, ठीक है, 0.5 सेकंड में वो मूव होगी। तो अभी मैं फिलहाल इसको मार्जिन लेफ्ट वगैरह कर रहा हूँ, थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट 200 पिक्सल, मार्जिन टॉप भी कर देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह से दिखेगा ये, जैसे मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ ये रोटेट होगी, सही है। ये हो गया 0.5 सेकंड में। अगर मैं करता हूँ यही 2 सेकंड में, तो रोटेट इतनी ही होगी 20 डिग्री, क्या होगा। अब देखें जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ ये स्मूथली आ रही है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे आल लगाया हुआ है। अगर मैं सिर्फ इसको रोटेट करता हूँ, ट्रांसफॉर्म ROTATE, ठीक है, तो सॉरी ये नहीं लगानी, जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाई है ना मसलन, वो यहाँ पे लिखनी है, मैं रोटेट लगाया था। अब देखिए वो यहाँ से घूम के नहीं आ रही, क्योंकि हमने पहले आर लगाया हुआ था, अब सिर्फ इस पे अप्लाई होगी 2 सेकंड में, ठीक है, स्मूथली। अगर हम इसी प्रॉपर्टी को होवर के अंदर लगाते हैं, ठीक है, ओवर के अंदर मैंने लगा दी ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म, देखो जा तो बिल्कुल ठीक थी ये 2 सेकंड, मगर जैसे मैं माउस लेके आता हूँ वापस, तो एकदम से वापस आ रही है, ठीक है। ये होवर के अंदर लगाने की वजह से, अगर हम इसको जिस मतलब जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं इमेज के ऊपर अप्लाई करें तो इमेज के अंदर लगाएंगे, ठीक है, तब स्मूथली अप्लाई होगा, जिस तरह से रोटेट हो रहा है उसी तरह से वापस आएगा स्मूथली। आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हैं और डिग्री भी बढ़ा सकते हैं, आप 100 डिग्री भी कर सकते हैं, 2 सेकंड में 100 डिग्री, ठीक है। और आप इसको चाहे 10,000 डिग्री कर लें, जितनी मर्जी कर लें, ये मूव होगा, ठीक है, इस तरह से। अगर मैं इसको और बढ़ा देता हूँ 10,000 डिग्री, तो देखिए ठीक है, इस तरह से आप ड्यूरेशन बढ़ा लें 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड तक ये अपने 10,000 डिग्री मूव करेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा सा मतलब एक बन रहा है फैन टाइप। आप अगर आप इस तरह से चाह रहे हैं कि ये मूव होता रहे, ठीक है,
कि हमें ओवर भी ना करना पड़े और मूव होता रहे होता रहे, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, शायद इसमें है या नहीं, इसमें नहीं है, वो होते हैं की फ्रेम्स। मैं चेक कर लूँ, शायद इसमें हो, की फ्रेम्स इसमें नहीं है, की फ्रेम्स है वो, मैं आपको चलिए अभी करवा देता हूँ, ठीक है, काफ़ी दिनों बाद आया हूँ तो मैं थोड़ा सा करवा लूँ की फ्रेम्स। और इसको स्टार्ट करने का तरीका ये होता है, एट द रेट लगाना है, उसके बाद की फ्रेम्स लिखना है, ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट लगा ली। अब 0% पे क्या हो आपने परसेंटेज में देना है। आप टू एंड फ्रॉम भी लगा सकते हैं, मगर ये टू पे और फ्रॉम पे सिर्फ दो प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। अब और परसेंटेज में आप 0%, 10%, 20%, आप जितनी मर्जी लगा लें। मैं चाह रहा हूँ कि 0% पे जो है इमेज, सॉरी, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, होवर को भी खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे यूज होगी एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन ये अप्लाई होगी। एनिमेशन में हमने कोई भी नेम दे देना है, मसलन मैं चाह रहा हूँ कि हमने फैन बनाने, फैन लिख लिया। अब ड्यूरेशन 0.5 सेकेंड, बल्कि इसमें ड्यूरेशन नहीं आनी, ठीक है, एनिमेशन फैन। अब ऐड की फ्रेम्स के आगे आपने उसका नेम लिख देना है, फैन 0% पे, ट्रांसफॉर्म 0%, मतलब 0 डिग्री, रोटेट 0 डिग्री, और 100% पे क्या करना है, रोटेट, सॉरी, N1000 डिग्री, ठीक है, एक बार ये सेकंड निकाल चेक लिया, मुझे कंफ्यूजन आया कि ये ठीक है। अब मैं होवर नहीं कर रहा, ठीक है, 10 सेकंड में ये मैंने कितना लगाया, अब 1000 डिग्री, अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब ऑटोमेटिकली मूव कर दिया। याद आया, अभी मैं ये 100 डिग्री दे रहा हूँ, रोटेट किया, मैं इसकी ड्यूरेशन जो है वो कम कर रहा हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए एक बार मूव हुआ, फिर वहीं पे आ गया, मैं चाह रहा हूँ कि चलता रहे, लीनियर, उसके बाद इनफाइनाइट, लेफ्ट, इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले आपने नेम दे देना, इधर ये कितनी देर में ये एक चक्कर मुकम्मल करे, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी ड्यूरेशन में हो, 1 सेकेंड में, मैं चाह रहा हूँ कि 2 सेकेंड में हो जाए, और लीनियर इनफाइनाइट, अब चलता रहेगा, ठीक है, अब मूव होता रहेगा। मैं यहाँ पे 50% पे भी लगा सकता हूँ, 50% ट्रांसफॉर्म, रोटेट, आप कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इमेज में, मसलन मैं चाह रहा हूँ कि 50% पे इमेज जो है मार्जिन लेफ्ट 500 पिक्सल कर दे, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, तो आप इस तरह से ये बना सकते हैं, अगर मैं रोटेट वाली नहीं लगाना चाहता, ठीक है, तो सेकंड, वन एटी, ठीक है, और मार्जिन लेफ्ट 0 पिक्सल,
तो हमारे कुछ इस तरह से बन गई। तो आप इस तरह से अपनी मर्जी से मतलब एनिमेशन वगैरह बना सकते हैं, अच्छी खासी एनिमेशन बना सकते हैं, ठीक है। ये ट्रांजिशंस थी और एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन हम कल के लेक्चर में कुछ एडवांस्ड एनिमेशन पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कि इसी तरह से हम कोई अच्छी सी एनिमेशन बनाएंगे, जिस तरह के मैं आपको बता दूं कुछ मैंने एनिमेशन बनाई हुई हैं, बहुत ही कमाल की हैं, वो सारे CSS में बनी हुई हैं। ऑल पर्सन CSS, अच्छा एनिमेशन ग्राफिक्स, ठीक है। तो ये एनिमेशन है जो मैंने बनाई हुई है। अब मैंने आपको एक असाइनमेंट देनी है, ठीक है। आपकी असाइनमेंट होगी ये वाली। अब आप सोच रहे हो कि ये किस तरह से बनाई है, ठीक है। कोई भी मुश्किल काम नहीं किया हुआ मैंने, इसकी कोडिंग देख रहे हैं आप, ठीक है। ये CSS की कोडिंग है और ये HTML की कोडिंग है। एक डिव लिया है, ठीक है। उसके अंदर मैंने सिर्फ HR ली हुई है, ठीक है। HR ली हुई है और मतलब कि लाइंस लगा लगा के, ठीक है। एक छोटी छोटी लाइन लगा के, देखिए छोटी छोटी एक लाइन लगा के उसको रोटेट कर करके, ट्रांसफॉर्म रोटेट इस तरह से किया हुआ मैंने सारा। तो आप अपनी मर्जी से इस तरह से कोई भी अच्छी सी एनिमेशन एक बना के लाएंगे, ठीक है। एक ये मेरे पास एनिमेशन बनी हुई है, उसके बाद एक ये है, सॉरी ये तो खैर थोड़ी एडवांस है, ये रहेंगे आप वैसे देखें, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर है, मैं आपको कल करवा दूंगा, कोई मसला नहीं। रोटेटिंग लोडिंग, ये देख रहे हैं, इतनी मुश्किल नहीं है, इजी ही है। सिर्फ CSS में थोड़ी सी ये देखें, 0% भी ट्रांसफॉर्म रोटेट इतनी डिग्री, बॉर्डर इतने पिक्सल आ जाएगा, बॉर्डर लेफ्ट इतने पिक्सल आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से लगा दूंगा। तो आप मतलब कि अपनी मर्जी से जो भी आपसे हुआ आप वो बना के लाएंगे, ठीक है। फिर भी ओवर इफेक्ट लगा हुआ। इसके अलावा लोडिंग सर्कुलर, ये खैर ये मैंने ट्यूटोरियल देखा था, ये मैंने खुद बनाई हुई है अपने माइंड से, ठीक है। तो आपने कोई भी एक छोटी मोटी जिसको कहते हैं छोटी सी भी कोई भी एनिमेशन बना के लेके आनी है, ठीक है। ये nth चाइल्ड है, ये भी हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करना। ये भी मैंने ट्यूटोरियल देखा था, जो है ना क्या उसको कहते हैं, एनिमेशंस के लिए मैं आपको एक चैनल बता देता हूँ, यूट्यूब चैनल, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस होती हैं उनकी। आपने क्या करना है कि यूट्यूब पे विजिट करना है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, ठीक है। ONLINE, मैं आपको लिख के देता हूँ इधर, ऑनलाइन ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स ये चैनल है और इनकी बेतहाशा वीडियोस पड़ी हुई हैं सिर्फ एनिमेशंस के रिलेटेड और HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट किसी किसी में यूज़ हुई है, ज़्यादातर जो है वो सारी की सारी HTML और CSS के अंदर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा CSS के अंदर ही है। तो आप इस चैनल को विजिट लाजमी करें। मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल तो है, मैंने डिस्कनेक्ट किया हुआ क्योंकि ये एक MTC प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैंने डिस्कनेक्ट करके ये वीडियो बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।